एक खेती की भी आदत पड़ गई है, अगर खाद नहीं डालते हैं किसान तो खेती में कुछ पैदावारी नहीं होती है जिस हिसाब से खाद डालने से होती है। इसीलिए किसान सोसाइटियों के चक्कर लगा रहे हैं और इस समय किसानों का भरपूर खाद ही नहीं मिल पा रहा है। इतना ही नहीं, अगर किसानों को खाद टाइम से मिल जाती तो अभी तक बुआई हो जाती और फसल भी जाम आती, फिर भी खाद ही नहीं मिल रही है। अगर खाद नहीं मिलेगी तो किसान कैसे अपनी खेत की बुआई कर पाएंगी। चित्रकूट ज़िले के कंठीपुर गांव में 22 तारीख को एक किसान के मौत आत्महत्या का मामला सामने आया था, जिसमें प्रशासन ने बहुत तेज़ी दिखाई, गाँव में आए, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से परिवार को किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिला है। ये आत्महत्या खाद को लेकर हुई थी। खाद के लिए किसान अक्सर दर बदर भटकते रहते हैं, लेकिन उनको खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती, या ये कहें कि उनको मिलती ही नहीं है। कई बार वो भटकते रह जाते हैं और उनकी खेती जो है ऐसी ही पड़ी रह जाती है। खेत के लिए जो किसान ने आत्महत्या की थी छुटवा, जो 50 साल उम्र थी उनकी, और वो उनकी चने और गेहूँ की फसल लेट हो रही थी, इसलिए वो लगातार 5 दिन से जा रहे थे खाद के लिए, लेकिन उनको खाद नहीं मिली। एक दिन आकर के निराश, 21 तारीख को शाम में वो निराश हो गए और उन्होंने सुबह 22 तारीख को आत्महत्या आम के पेड़ में फांसी लगा के कर ली। आपने कब देखा उनको? वहाँ सुबह जब गाय गोबर टहल करने तो वहाँ के और लोग जो देखा तो हमसे बताया, तब हम जाने पाए। क्या उससे पहले कुछ घर में हुआ? कुछ नहीं, खाली खदाई को ले जाते रोज जाते हैं, सुबह 8 बजे चले जाए, 7-8 के बीच में मैं पूछे लौट गया, और 4-5 बजे बीच में आया तो मैं कहा खदाई ले आ, कहा खदाई नहीं मिली है, तो मैं करो तुम जाते हो गोरी खदाई लाते, चाणक पछर हो जा सरसों पछर हो चाहिए तही ले आ। तो अभी तक आपको किस तरह का सहयोग मिला है प्रशासन? कुछ सहयोग नहीं मिला, साहब तो बहुत आए थे लेकिन सहयोग कोई नहीं दिया। जितनी हमारी 9 बीघा था तो उसमें 2 भाई थे, 9 साढ़े 4 बीघा आते थे। क्या होता था, सब थोड़ा थोड़ा बोते थे, सब खाने के लिए हो जाता था, बस हो गया, परिवार के लिए हो जाता था। हाँ, परिवार के लिए हो जाता था। कोई सहयोग किया? कोई सहयोग नहीं, यूनियन के लोग नहीं, कोई नहीं, कोई अधिकारी आया? आए थे लेकिन सब इसी तरह चले गए, बहुत आए थे। आपकी लास्ट टाइम बात हुई थी पापा से कब? मेरे से बात हुआ था, खदाई के लिए बोला पैसा लगा दो, पैसा लगा दिया था, 4-5 दिन गए थे खदाई लेने, नहीं मिला था। 4 से 5 दिन तक जब जरूरत रह गई तो खाद न मिली, वहाँ मतलब लड़ाई धड़ाई सब कुछ हुआ, लोग बाग हुईरा मचा, शासन भी रहा, शासन कुछ नहीं कर पाया है, घर गुजारा बस इसी तरह है, खाने पीने से ज़्यादा होता नहीं है। लड़के बच्चे जो बाहर जाते हैं 5,000-6,000 रुपये जो है कमाते हैं, जो 2-4-6 हज़ार रुपये बचता तो यहाँ इधर देते थे, बस यही है। हाँ, एक्चुअली ऐसा है कि जो हमने यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया था अपने लेवल पे, जी, तो ऐसा कहीं नहीं था कि खाद ना मिलने के कारण वो सुसाइड था। हॉस्पिटल से भी पता किया था तो वहाँ भी ये सुनने में आया था कि उनका पारिवारिक विवाद था अपनी वाइफ के साथ में जी। और उसके कारण उन्होंने सुसाइड कमिट किया है। ये पॉसिबल हो सकता है कि वो खाद लेने आए हो और उस दिन उनको समय खाद ना मिली हो, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं थी कि जिले में कहीं खाद ना हो या कहीं मंडी में ही खाद ना हो जी। जहां इफ्को केंद्र है वहां पर भी खाद उपलब्ध थी, वहां डीएपी थी, और वहीं 100 मीटर 200 मीटर के अंदर में ही एक दूसरा केंद्र है सरकारी पीसीएफ का जी, जी, वहां पर एनपीके जो है 500 बोरी वहां पर भी उपलब्ध थी। और दूसरा, अभी इतना पीक सीजन भी नहीं था कि किसी की एकदम से जो फसल है वो बर्बाद हो जाएगी, खाद नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी तो जो स्टार्टिंग सीजन था वो सरसों या इसका चने का था जी जी। और जो इनका गांव भी है, मेरा खुद देखा हुआ है थोड़ा सा, तो वहाँ ऐसा नहीं है कि पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और किसान एकदम से परेशान होकर के कमिट कर लेगा कि वो सुसाइड करने जा रहा है। एक्चुअली वहाँ पे है क्या कि 2-3 गाँव के जो लोग हैं वो इकट्ठे आते हैं जी। जैसे ये हमेशा से है, मैं चूंकि यहाँ अब ये 3rd सीजन देख रहा हूँ यहाँ का, और ये यहाँ पर होता है जी जी। यहाँ हम जितना भी खाद रखवा दें, क्योंकि मार्केट की स्थिति ये है, मार्केट में लोग डीएपी लेना पसंद नहीं करते जी। एक तो नकली खाद का इशू बहुत रहता है और ओवर रेटिंग ज्यादा रहती है हाँ। तो इसीलिए प्राइवेट रिटेल जो पॉइंट है उनके पास लोग जाते नहीं है। उसका बयान लिया गया है जो उसका सहायता के लिए मैम जो है बता दिया गया, उसका जो है क्या है पारिवारिक लाभ के लिए
और जो भी है उसका मैं एक मैं कहाँ हूँ मौके पर जाके। अच्छा क्या मतलब कितना पैसा मिलेगा उन्हें मुआवजा या क्या? मुआवजा मुआवजा मैं कहा हूँ कि अपना ऑनलाइन करा दीजिए, उसके बाद कागज आ जाएगा हमारे पास तो मैं लिख दूंगा। तो कौन सा वाला मिलेगा किसके तहत? हम पारिवारिक लाभ के लिए मतलब जो है हम पारिवारिक लाभ वाला वो जी, किसान जी, का कोई उसमें लाभ नहीं है। मैम किसान का किसान वो है किसान सम्मान निधि का भी मतलब है। अच्छा और ये उन्होंने लोन भी ले रखा था उसमें कुछ होगा? लोन तो ये बैंक मैम हम बैंक संबंधित है, है ना हम लोग बैंक उसमें बैंक संबंधित है। खाद अभी मिली कि अभी भी नहीं? कुछ नहीं, नहीं मिला कुछ। आगे खेती करेंगी आप? खेती ना कर मतलब बच्चा मौका ही हैगा। मतलब कि खाद मिल जाता तब हमारी बुवाई हो जाती जी। खादों की वजह से अब फिर रहे तो खाद नहीं मिली? नहीं मिल रहा। कब से आप फिर रही हैं? कम से कम 2 महीना हो गए। मेरी बात हुई थी जो है अधिकारियों से, उनने कहा था कि जो मैं हर जगह भेज रहा हूँ लेकिन खाद मिला है जिन लोगों को सोसाइटियों में गया है, जिनके पास चेक हैं खाता सोसाइटी में उनको दिया गया है, बाकी लोग जो भटक रहे हैं किसान नगद वाले सहकारी संघों को नहीं दिया गया है। अगर सहकारी संघों ने जितनी डिमांड की उतना दे देते तो किसान परेशान नहीं होते, इस वजह से सब परेशान हैं। और जो दुकान है सरकारी के अलावा प्राइवेट दुकान है वो 100-200 रुपये ज़्यादा लेके बेच रहे हैं। हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़कों पर संघर्ष करेंगे। आप खाद सोसाइटी के सदस्य भी हैं? हाँ सदस्य सदस्य। तो सदस्य बनने का फायदा क्या है? अब कुछ कोई फायदा नहीं, लाइन पे लगो रोज लाइन में लगे जाओ टाइम से ना खाद मिलता है, इतनी भीड़ होती है कि आदमी धक्का मक्का खा के भागे भागाता है, कहाँ तक धक्का खाएंगे आदमी। तो जब खाद सोसाइटी के सदस्य बनते हैं तो क्या उम्मीदें आपकी रहती हैं? खाद तो मिलना चाहिए हमको। अब जैसे जो बैंक में बैठा हुआ है कुल पार के आदमी तुरंत ले ले पासबुक, हम देहातन के भगा दे तुरंत जाओ टाइम ही नहीं है, जो बड़े बड़े आदमी होंगे तुरंत पास हो गया नहीं और कल है ही नहीं। अब जब फिर नंबर ही नहीं आऊ देहात के आदमी के तो पैसा भी जमा कर दे खातु के मतलब सब मतलब अब आया नहीं है जो नहीं अब क्या करा है, जब मिले जब बेवाई करेंगे बेवाई को टाइम तो वाई गो, अब खातु ना मिले तो बेवाई नहीं होने। खाद के लिए कितने रुपए जमा कर दिया है आपने? हमने 10,000 नकारे थे, 10,000 जमा कर दे, जितने लाए थे पूरे जमा कर दे। कहाँ से लाए थे? खातु सोसाइटी से। अभी खातु को वहाँ भीड़ पड़ती है जमा है पासबुक मतलब खातु आए नहीं अभी, इतनी भीड़ है कि मतलब 150 आदमी को मिल पाता है बढ़ जाता है वहाँ खत्म ही हो जाता है वहाँ पहुँचते ही नहीं है खातु। अगर लेट बुआई करेंगे तो फिर क्या? तो पैदावार उतनी नहीं होगी, समय खत्म कम हो जाएगा, फिर वहाँ गर्मी पड़ने लगेगी आगे चल के। किस चीज़ का टाइम है अभी बुआई का? अभी राई का है, मटर का है, चने का है। यहाँ ज़्यादातर कौन सी फसल होती है? ज़्यादातर मटर चना राई होती है।